मुजफ्फरपुर के विशेष सीबीआई कोर्ट में आज उस वक्त अजीबोगरीब हालात बन गए जब एक मरी हुई गवाह अदालत पहुंच गई। इन्हें देखिए, ये है बदामी देवी, जो अपने जीवन के आखिरी पैदान पर जरूर है लेकिन जिंदा है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इन्हें तो जीते ही जी मार दिया है। दरअसल मामला सिवान के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। सिवान की बदामी देवी, जिनके घर और जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा करने का आरोप है, उनकी गवाही होनी थी, लेकिन सीबीआई ने अपने कागजों में बदामी देवी को मृत घोषित कर न्यायालय को कागज सौंप दिए थे, जिसकी जानकारी जब बदामी देवी को हुई तो वो खुद कोर्ट पहुंची गवाही देने। बदामी देवी ने आरोप लगाया कि उनसे वीरेंद्र पांडे नाम के शख्स का झगड़ा था, उसने ही उन्हें मृत घोषित करवाने की साजिश रची है। आपको मृत घोषित कौन किया, मरने हुआ कौन किया, सीबीआई और वीरेंद्र पांडे? सीबीआई वीरेंद्र पांडे आप है ना? हाँ, हमेशा आपको मारने को धमकी दे रहा है। हम उसी घर में रहते थे, हमको तबाह कर दिया है। सिवान के घर में? सिवान घर में ना? हाँ, सिवान से हम आए हैं। अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि आखिर पूरा मामला क्या है, साथ ही सीबीआई की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कोर्ट ने सीबीआई को शो कॉज नोटिस दिया है। मामला ये है कि पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में एक चार्जशीटेड विटनेस, जिसका संबंध सीबीआई ने खुद दस्ती समन लिया था, वो है बदामी देवी। और सीबीआई ने वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल कर दिया यहाँ कि बदामी देवी मर गई हैं। और आश्चर्य की बात है, जब बदामी देवी को इस बात की जानकारी हुई सिवान में अखबार द्वारा कि मेरे मरने की सूचना दे दी गई है, बदामी देवी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुई हैं। सारी बात सुनने के बाद हमने कोर्ट से सबमिशन किया है, सारी बात सुनने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को शोकॉज नोटिस जारी किया है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। सीबीआई के बारे में माना जाता है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और उसकी ये हालात हो, एक दो एग्जाम्पल नहीं है, उनके लिए अलग एग्जाम्पल भी है, जस्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल नरूना केस भी है, उस हालात में भी क्या हो रही है सो आप देखिए। लेकिन सीबीआई पे सब लोग विश्वास करते हैं, शासन विश्वास करता है, प्रशासन विश्वास करता है, प्रधानमंत्री विश्वास करते हैं। उनकी इस तरह की हालात कि एक जीवित व्यक्ति को मरा हुआ घोषित कर देना, घोषित ही नहीं कर देना, उनका वेरिफिकेशन रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल कर देना, ये आश्चर्यचकित है। न्यायालय खुद आश्चर्यचकित हैं, और आश्चर्यचकित होकर न्यायालय ने सीबीआई को शोकॉज दाखिल किया, शोकॉज जारी किया है। विशेषकर आज क्या हुआ न्यायालय के अंदर, क्या हुआ न्यायालय के अंदर? बदामी देवी, जिनको घोषित कर दिया गया था सीबीआई द्वारा कि मर गई हैं, वो स्वयं उपस्थित हो गई हैं। उन्होंने अपने फोटो सहित अपना उपस्थिति दर्ज कराया है, उसमें अपना कार्ड दिया है, अपना पैन कार्ड दिया है, अपना वोटर कार्ड दिया है, और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कही है कि मैं जिंदा हूँ। आपको बता दें कि 13 मई 2016 को सिवान के स्टेशन रोड में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन के बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाद में आशा रंजन ने सीबीआई जांच की मांग की, और फिर राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच का जिम्मा सीबीआई को मिला। सीबीआई ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत 8 आरोपियों के खिलाफ विशेष कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। गंभीर बीमारी से दिल्ली की तिहाड़ जेल में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी। बहरहाल बदामी देवी के साथ जो हुआ उससे सीबीआई पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सीबीआई ने कैसे बिना पुख्ता जांच के वेरिफिकेशन रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दिया। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।